शिक्षा के खेत्र नामुमकिन मुमकिन करके विखाया वो साढ़े बच्चे उचेचे तौर पर मौजूद ने। सवेरे दरबार साहब मत्था टेक के उस तो बाद दुर्गियाना मंदिर मत्था टेक के पंजाब की खुशहाली लिए अरदास की है। तो पंजाब भी दिल्ली वर्गे काम होण, पंजाब भी फिर तो मुड़ खुशहाल हो उस चीज़ की अरदास करके आप आए हाँ। हूँ अगे की जो प्लैनिंग है वो साढ़े सब के प्यारे मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री तो अगे रखे। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। वैसे तो मैं आज एक पारिवारिक निमंत्रण में एक शादी में शामिल होने के लिए यहाँ आया था, पर जब यहाँ अमृतसर आएँ और दरबार साहब ना जाएँ और दुर्गियाना तीर्थ ना जाएँ तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आज सुबह मैं सबसे पहले दरबार साहब गया, वहाँ पे अरदास की, उसके बाद दुर्गियाना तीर्थ गया, वहाँ पर भी पूजा की और यही पूजा यही प्रार्थना यही अरदास करी कि दिल्ली में जो मौका मिला है काम करने का और दिल्ली में पिछले 5-6 साल में जिस तरह की राजनीति जिस तरह का काम किया है वही राजनीति ईमानदारी की राजनीति काम करने वाली राजनीति पंजाब में भी सफल हो और पंजाब के लोगों की भी खुशहाली हो, पंजाब के लोगों को भी अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य मिले रोज़गार मिले, दिल्ली के लोगों को भी और कृपा बनी रहे खुशहाली पे और साथ साथ देश भर के लोगों को भी मिले। अब इस मौके पर थोड़ी सी बात मैं फिर आपके बीच भी रखने आया हूँ क्योंकि पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं और लोकल बॉडी इलेक्शंस में इस बार आम आदमी पार्टी को बहुत जनता उम्मीद की तरफ से देख रही है क्योंकि पिछले 5 साल उम्मीद की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि उसने अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम देखा है। आज आराम से हो गया सॉरी, ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं मैं पंजाब के जहां जहां लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं वहां के वोटर्स से आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस को देख लिया, अकाली बीजेपी को देख लिया, एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को मौका जरूर दें और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को आप देख लेंगे, उनकी ईमानदार गवर्नेंस को देख लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की ईमानदार सरकार को देख लेंगे, ईमानदार राजनीति को देख लेंगे तो उसके बाद कांग्रेस बीजेपी अकाली सबको भूल जाएंगे, फिर उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जैसा दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में भी यही हुआ है कि लोगों ने एक बार कांग्रेस देखी, बीजेपी देखी, बीजेपी देखी, फिर कांग्रेस देखी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति की झलक उन्होंने देखी और उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो उसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस का नाम लेना भूल गए, वैसे ही यहां भी होगा। इसलिए ये लोकल बॉडी इलेक्शन एक अवसर है। मैं पंजाब के वोटर्स से अपील करना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की राजनीति को, केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति को, उनकी जो सरकार चलाने की राजनीति है, उनकी सिस्टम को चलाने की जो राजनीति है जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी सफाई रोजगार इन सब पे बात होती है, इसको एक मौका जरूर दें और मौका इसलिए दें क्योंकि 5 साल में केजरीवाल जी को अभी दिल्ली में 5-6 साल मौका मिला है, 6 साल के अंदर अंदर केजरीवाल जी ने दिल्ली में वो काम कर दिए जिनको कभी कोई सोचता था कि हो ही नहीं सकते। हमारे देश में ये धारणा बन गई थी कि प्राइवेट स्कूल तो हर साल फीस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन दिल्ली ऐसा मॉडल बन गया जहां पिछले 5-6 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी, जिसके पास भी पैसा था उसको फीस नहीं बढ़ाने दी। लोग मानने लगे थे जी सरकारी स्कूल तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, सरकारी स्कूल तो बंद ही होंगे, सरकारी स्कूलों की जगह तो प्राइवेट स्कूल ले लेंगे और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो ही नहीं सकती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इतनी शानदार पढ़ाई हो रही है कि वहां से निकल के बिना कोचिंग के बच्चे IIT जा रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं। हमारे ऐसे स्कूल हो गए हैं सरकारी दिल्ली में जहां 80 बच्चों में से 35 ने नीट का एग्जाम क्रॉस किया। तो आज असंभव को संभव करके दिखाया केजरीवाल जी ने, उसकी शिक्षा की चर्चा पूरे देश में नहीं दुनिया भर में हो रही है, यही स्वास्थ्य का मॉडल है, देश नहीं दुनिया भर से लोग देखने आ रहे हैं कि यार ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे काम करता है। लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि साहब दिल्ली जैसे राज्य में जहां लोग इन्वर्टर लगाने के लिए मजबूर होते थे, मार्केट में इन्वर्टर भरे रहते थे, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, लोग इन्वर्टर भूल गए
और 24 घंटे जब बिजली मिल रही है तो 70-75% लोगों के बिल हर महीने जीरो आते हैं, लोगों के पानी के बिल जीरो आते हैं। दिल्ली में महिलाओं को, सारी महिलाओं को अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्शन बस यात्रा फ्री कर रखी है। तो ये सारी कुछ चीजें मैंने आपके सामने इसलिए करी क्योंकि ये केजरीवाल जी की राजनीति है। इसी राजनीति को मैं अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि इसको मौका दें पंजाब में, पंजाब के वोटर्स, पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें। और देखिए, आप दो तरह की राजनीति देख रहे हैं। एक राजनीति है जो जनता से टैक्स लेती है, टैक्स तो जनता देती है, आप माचिस खरीदने लाओ जाओ बाजार से तो टैक्स मिलता है, आप थोड़ी सी कमाई करो तो टैक्स देना पड़ता है, खाना खाने जाओ तो टैक्स देना पड़ता है, जनता तो टैक्स देती है। अब इसके सामने दो तरह की राजनीति है वोट से। एक राजनीति यह है कि उस टैक्स के पैसे को चोरी करके लोग अपना बिजनेस करें, अपना घर बढ़े, अपने अपना नोट बैंक बढ़ाएं। दूसरी राजनीति केजरीवाल जी की राजनीति है जहां इसी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके मुफ्त शिक्षा, जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके इतने शानदार अस्पताल बनवा दिए, इतनी बढ़िया बिजली की व्यवस्था हो गई, इतना पानी की व्यवस्था हो गई, महिलाओं के लिए बस फ्री हो गई। तो इसलिए मैं आप सबके माध्यम से यही एक बार फिर से पंजाब के लोगों से अपील करूंगा कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी की राजनीति को मौका दिया तो अब वहां उसका बहुत ईमानदार राजनीति का फायदा मिल रहा है, वैसे यहां भी मौका जरूर दें। यही मैं आपके बीच में रखने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके जो पहले जैसे आपने पार्टियों का जिक्र किया कि अकाली बीजेपी, तो आप लोग अब क्या चीज लेकर लोगों से वोट देंगे, क्या दिल्ली मॉडल ही बता के लोगों से वोट मांगा जाए? देखिए, हम जब शहर का नाम लेते हैं दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल, वो दिल्ली में भी मॉडल दिल्ली का था 5-7 साल पहले। बात यह है कि एक है ईमानदार राजनीति, केजरीवाल जी की राजनीति है। तो हम पंजाब के बीच जो आए हैं इसी बात को लेकर आए हैं, और हमारे जनरल सिंह जी और बाकी सब साथी जो लोगों के बीच जा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स जो जा रहे हैं, कि साहब एकमात्र ऐसा नेता है देश में जो आपके टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए आपको सुविधाएं दे सकता है, बाकी सब तो आपके टैक्स के पैसे को चोरी करते हैं। तो कर दिया होता भाई सत्ता में, तो 4-5 साल तो एक को हो गए, 15 साल एक को देख लिया जनता ने, तो कर दिया होता। मनीष जी, किसानी आंदोलन की बात करें पंजाब में, चलो लोग आप क्या समझते हैं कि आंदोलन जो चल रहा है, सरकार, पंजाब सरकार हो या केंद्र सरकार, चुनाव की तरफ तो ध्यान दे रही है, लेकिन क्या इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो उचित हो रहे हैं कि नहीं? मुझे तो लग ही नहीं रहा जी, पंजाब की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई सीरियस प्रयास हो भी रहा है। बस बेचारे वहाँ हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं और उनसे मिलने की कुछ कुछ हो जाती है, और सबकी आपस में पीछे दोस्ती होती है, आपस में मिलते हैं तो कुछ इन किसानों पे बात ही नहीं करते, अपने 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 मुद्दों पे बात करके बाहर निकल आते हैं। इन जो वहाँ पे आप दिल्ली सरकार की तरफ से चलो पानी है, पानी की सेवा तो करते हैं, पानी के जनरल सिंह जी वहाँ थे उस दिन जब टैंकर वगैरह रोके जा रहे हैं, तो इन ह्यूमन बिहेवियर को आप किस तरह, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और इस तरह सरकार क्यों ऐसा कर रही है? केंद्र सरकार की कुछ मजबूरी है मुझे लगता है, हम सब जानते हैं, देखो सारे लोग जानते हैं कि ये जो बिल बनाए हैं ये किसानों के लिए तो बनाए नहीं हैं, ये तो कॉरपोरेट्स के फायदे के लिए बनाए हैं, कुछ चंद कॉरपोरेट्स के फायदे के लिए। तो अब उन कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार इतनी जिद पे क्यों अड़ी हुई है कि देश भर के किसानों की पीड़ा उसको दिखाई नहीं दे रही, उनकी उनकी आवाज़, उनका विरोध दिखाई नहीं दे रहा, उनको लग रहा है कि अब किसान सारे देश में खड़े होकर कह रहे हैं जी हमको फायदा नहीं हो रहा, फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं आपको फायदा हो रहा है, तो क्या मजबूरी है वो हम सब समझते हैं। सर, पंजाब में कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जाता है कि दिल्ली में ये कानून आपकी ओर से लागू कर दिए गए, इस पे स्थिति थोड़ी साफ, ये कैप्टन साहब पूरी तरह से अफवाह फैलाते हैं। हकीकत यह है कि कैप्टन साहब जो कर रहे हैं, कैप्टन साहब और मोदी जी की तो खूब दोस्ती है, वो बैठते हैं जाके तो वहाँ कुछ और मुद्दों पर बात करके आते हैं, बाहर कुछ बताते हैं। कैप्टन साहब ने तो ये कानून की कमेटी में थे, उन्होंने बनवाई क्यों वहाँ पे? और एक बार बार कहा गया कि प्रधानमंत्री तो क्या है? अब थोड़ा डर जाए तो अच्छा है, किसानों से तो डरें, किसानों से डरना चाहिए। और लाल किले को लेकर जो पंजाब में लड़कों पे बच्चे हुए वांटेड किए हैं, लोग उसके विरोध में पंजाब में, देखिए लाल किले पे जो वायलेंस हुई वो तो हम सब मानते हैं गलत हुई, लेकिन उसके आरोप में जिन लोगों के, मतलब जिन लोगों के फोटो वायरल हुए, जिन लोगों के बहुत ऑब्वियस जिनकी शक्लें दिखी, उन वो तो सब
दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेजा था, तो वो फिर अपने लोगों को बचा रही है। कांग्रेस सरकार उसकी बेल क्यों करा रही है? इसीलिए मैंने कहा ना, दोस्ती है इनकी सबकी आपस में। आपको नहीं लगता ये पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां किसानों के आंदोलन को भुलाने में लगी हुई हैं? देखो जी, मुझे लगता है अगर मतलब राजनीतिक पार्टियां अगर किसानों के साथ खड़ी हैं तो खड़े होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां देश की किसी और सपने पे बात करते रहे और इस देश का किसान सड़कों पे बैठा रहे तो वो राजनीति क्या हुई? फिर वो राजनीति किसके लिए कर रहे हैं? सबको अपने राजनीति छोड़ के, मैं तो कह रहा हूँ केंद्र में बैठी हुई सरकार को भी सुन लेना चाहिए कि भाई ये किसान है, वो ही बुना ले। अच्छा, आम आदमी पार्टी की चैट वायरल होती है जिसमें कहा जाता है कि अब हमें राजोवाल को सपोर्ट करना है, चिड़ूनी ग्रुप को नहीं करना, हमें इसका फायदा मिलेगा, और जहाँ जहाँ लंगर लगे हैं इसकी तस्वीरें खींच के ज्यादा से ज्यादा एनआरआई ग्रुपों में डाले। देखो जी, हम किसी ग्रुप को नहीं, हमारे हरपाल जी हैं, एमएलए हैं, बलविंदर कौर जी हैं और राघव जी भी शामिल। फेक है सारा। हम तो इस देश के किसानों के साथ में, मैं तो आज सुबह, मैं रोज यही कहता हूँ कि भगवान को याद करो, तो जब कुछ खाते हो तो किसान को भी याद करो। एक और सवाल, एक आपकी तरफ से ये कहा गया था जब 2017 जब इलेक्शन लड़े थे, सारा कुछ वेबसाइट पे डाला जाएगा, कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, अभी तक उसका पूरा वेबसाइट पे ब्यौरा डाल दिया गया है कि नहीं? सारा पब्लिक डोमेन है, सारा पब्लिक डोमेन में हमारा।